फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक में शेयर बटन को कैसे हाइड कर सकते हैं, अपनी पोस्ट अपनी वीडियोस पे शेयर बटन को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमने करना क्या, हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। तो गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए जीमेल अकाउंट, यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट और पासवर्ड एंटर करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ क्योंकि मैं आपका अकाउंट बचाना चाहता था। अभी हमने अपने फेसबुक को ओपन करे तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा नाम, तो यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आ रहा है छोटा सा, अब हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे अगर हम आ जाएं तो सेटिंग हमें दिखाई दे रहा है। अकाउंट मैंने सिंपली इस सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे हम इस सेटिंग को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवेसी सेटिंग, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल पे ओपन करोगे तो आपको प्रीवेसी के साथ सेटिंग भी दिखाई देगा। तो अब हमने करना क्या है, इसको सिंपली ओपन कर लेना। इस पर हम जैसे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट द ऑडियंस फॉर पोस्ट यू शेयर विद फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, जैसे भी है। तो यहाँ पे आप देख, जैसे यहाँ पे आगे आप देख सकते हो लिमिट पास्ट पोस्ट, इस पे हमने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू चूज टू लिमिट, ठीक है ना। तो बाकी जो कुछ भी है आप खुद पढ़ लेना। तो आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, लिमिट पास्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक न्यू छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट पास्ट पोस्ट पे आपने दोबारा क्लिक कर देना है। और दोबारा क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ओके हो जाएगा। आप देख सकते हो सक्सेस हो चुका है, चेंजिंग हैज बीन चेंज। तो इस तरह हम अपने शेयर बटन को हाइड कर सकते हैं। अभी मेरे पास दूसरा अकाउंट नहीं है, अगर मैं दूसरे अकाउंट से अपने फेसबुक पे का विजिट करूंगा तो वह मेरी किसी भी पोस्ट का शेयर बटन दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो, वीडियो फेक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।